हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। रिसेंटली माइनिंग सरदार, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, बहुत सारे पोस्ट का एग्जामिनेशन लिया गया था गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, तो उसका रिजल्ट भी आउट किया गया था। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें मैं बात करने वाला हूँ उसकी कंपनी के बारे में डिटेल में, और इन फ्यूचर जो भी वैकेंसी निकलती है इस कंपनी की, जो इस कंपनी में यानी गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बात करूंगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, साथ ही कितनी सैलरी मिलेगी अलग अलग पोस्ट के लिए उस बारे में भी बात करूंगा, साथ ही GPCL का जो डिटेल्ड है उसके बारे में भी बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माइनिंग सेक्टर में, चाहे मेटल माइनिंग हो या कोल माइनिंग हो, साथ में पावर सेक्टर में, इन सेक्टर में जब भी कोई वैकेंसी आती है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड कंपनी हो या आउटसोर्सिंग कंपनी हो या सेमी गवर्नमेंट कंपनी हो या स्टेट गवर्नमेंट कंपनी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी हो, जब भी ऐसी वैकेंसी आती है, उन सब वैकेंसीज का अपडेट, चाहे वो ITI का हो, डिप्लोमा का हो, BTech का, अलग अलग लेवल का जो क्वालिफिकेशन है, उसका अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। पिछले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं GPCL के बारे में आपको बताता हूँ। GPCL एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर में आती है। ये 1990 से यानी कि 28 जून 1990 को इसका स्थापना किया गया था इस कंपनी का, तब से ये कंपनी चल रही है। ये मेजरली गुजरात में, पूरे गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का सप्लाई करती है, पावर जनरेशन करती है और उसका सप्लाई करती है। GPCL के पास अलग अलग प्लांट है, गैस का प्लांट है, पावर का प्लांट है, सोलर प्लांट है, कोल का भी माइंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो इसमें गैस के प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट है, वाइंड प्रोजेक्ट है, चाहे वो ऑनशोर की बात करें या ऑफशोर की बात करें, माइनिंग के प्रोजेक्ट है, टिडल प्रोजेक्ट है, रूफ टॉप प्रोजेक्ट है, इनके इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो गैस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ सबसे पहला, तो जो गैस प्रोजेक्ट चल रहा है GPCL का, वो 700 मेगावाट का गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट चल रहा है पीपा भाव में, जो कि JV की ज्वाइंट वेंचर साइन किया गया है GPCL एंड GSPC के बारे में। GSPC भी एक गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी है। इसमें 700 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल गैस टर्बाइन टेक्नोलॉजी से। सेकेंड अगर प्लांट की बात करें, तो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी चल रहा है GPCL का। 6x1000 मेगावाट कैपेसिटी का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट पावर प्लांट जो मैं बात करूं, तो वो सोलर प्रोजेक्ट भी इनके चल रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट इसके काफ़ी फेमस है, मैं आपको बता दूं। GPCL ने एक बहुत बड़ा पार्क बनाया है, जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। GPCL ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर रीन्यूएबल एनर्जी, जो कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी इसको बोला जाता है, जो कि सोलर प्रोजेक्ट को बोला जाता है, गुजरात सोलर पार्क एक बनाया है, जो कि 590 मेगावाट कैपेसिटी का है, जो कि छरंका डिस्ट्रिक्ट पतन गुजरात में अवस्थित है। ये 5384 एकड़ में फैला हुआ है ये जगह, ये पार्क। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूँ GPCL का, तो वो वाइंड प्रोजेक्ट है, जो कि ऑनशोर है और साथ ही साथ ऑफशोर भी है। GPCL रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे काम करता है, ग्रीन एनर्जी पे काम करता है, इसीलिए इसका सोलर प्लांट और वाइंड प्लांट भी है, वाइंड प्रोजेक्ट्स भी है। वाइंड प्रोजेक्ट की बात करें, तो 20.70 मेगावाट वाइंड मिल पावर प्रोजेक्ट है इसका कैपेसिटी है, जो कि ऑनशोर है, अभी ऑनशोर चल रहा है। ऑफशोर की बात करें, तो ये कमिटेड है, यानी कि अभी बनाएगी, अभी ऑफशोर बना नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे GPCL के माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में। तो माइनिंग प्रोजेक्ट इसमें दो दिया हुआ है, एक लिग्नाइट प्रोजेक्ट और कोल प्रोजेक्ट। लिग्नाइट प्रोजेक्ट को अलग से दिया हुआ है, तो पहले हम लिग्नाइट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो इसमें टोटल 4 लिग्नाइट के प्रोजेक्ट्स हैं। पहला है 500 मेगावाट गैस लिग्नाइट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, जो कि भावनगर में है, इसका कैपेसिटी 500 मेगावाट का है और लिग्नाइट बेस्ड है। सेकेंड जो है वो घोघा सुरका लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट है, ये भी भावनगर में है, इसका मैप भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। माइनिंग लीज एरिया की बात करें, तो 1355 हेक्टेयर का माइनिंग लीज एरिया है। जूलॉजिकल रिजर्व 60.68 मिलियन टन्स का है, और इसमें से जो माइन हो सकता है माइनेबल जो रिजर्व है, वो 54.68 मिलियन टन का है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.25 MTA है। स्टिपिंग रेशियो 1:9.32 है। थर्ड लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो खादसालिया का है, खादसालिया 1 इसका नाम रखा गया है, लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट है, ये भी भावनगर में है।
माइनिंग लीज एरिया के बारे में देखेंगे तो 712 हेक्टेयर का है। जूलॉजिकल रिजर्व 27 मिलियन टन का रखता है, जिसमें से जो माइनेबल रिजर्व है वो 20.20 मिलियन टन है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 MTA का है। स्ट्रिपिंग रेशियो 1:9.54 है और ऊपर वाला में भी 1:9.32 था, मतलब स्ट्रिपिंग रेशियो लगभग बराबर है। जो फोर्थ है वो खादसालिया 2 लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट है, ये भी भावनगर में है। यानी कि जितने भी लिग्नाइट प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखे वो सबके सब लगभग भावनगर में ही है। तो खादसालिया 2 लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट का बात करेंगे तो इसका माइनिंग लीज एरिया 914 हेक्टेयर का है। जूलॉजिकल रिजर्व 22.50 मिलियन टन रखता है और माइनेबल रिजर्व जो माइंस करने लायक है वो 14.29 मिलियन टन का है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 0.75 MTA का है और स्ट्रिपिंग रेशियो 1:23.26 है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कोल प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसका कोल प्रोजेक्ट्स कुछ अटपटा है। इसका कुछ कोल प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा में सिचुएटेड है। गुजरात का कंपनी यानी GPCL जो है वो उड़ीसा में कोल का माइंस भी करती है। जैसे जो फर्स्ट कोल प्रोजेक्ट है वो है वैतरणी वेस्ट कोल ब्लॉक एट उड़ीसा, जो कि अंगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में उपस्थित है। जूलॉजिकल रिजर्व इसमें 602 मिलियन टन है और माइनेबल जो उसमें है 468 मिलियन टन है। यानी कि एक अच्छा खासा कोल का रिजर्व यहाँ पे है और कैपेसिटी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 15 MTA का है। इसमें आपको बता दें कि GPCL का 1/3 शेयर है, यानी 1/3 पार्ट जो है इस माइनेबल रिजर्व में वो GPCL का है। स्ट्रिपिंग रेशियो 1:23.26 है। इस कोल ब्लॉक के बारे में डिटेल में आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यानी कि भारत सरकार ने यह तय किया था कि वैतरणी वेस्ट कोल ब्लॉक जो है एक कोल ब्लॉक है जिसको GPCL को भी दिया गया है, साथ ही साथ केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी और ओडिशा हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को भी। ये कंपनीज मिल के वहाँ पे माइनिंग और पावर जनरेशन का काम करती है। इसमें आप प्रेजेंट स्टेटस पढ़ सकते हैं साइट में जाके डिटेल में। मैं इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। इसके टाइडल प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अटलांटिस रिसोर्सेज के द्वारा, जो कि ज्वाइंट वेंचर एक तरह से कह सकते हैं GPCL का और अटलांटिस का एंड PMES का ज्वाइंट वेंचर साइन किया हुआ है। ये कंपनीज मिलकर 50 मेगावाट का पायलट टिडल बेस्ड पावर प्रोजेक्ट जो है वो गल्फ ऑफ गुजरात एट मांडवी स्टार्ट करने वाले हैं और 200 मेगावाट का कहीं भी गुजरात में स्टार्ट करने वाली है। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है, देखते हैं कि कब तक ये टाइडल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। नेक्स्ट हम लोग रूफटॉप के बारे में देखेंगे। अगेन इसको हम कह सकते हैं कि सोलर एनर्जी का एक पार्ट है, सोलर प्रोजेक्ट्स का एक पार्ट है। रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है वो 5 सिटी गुजरात का उसमें स्टार्ट होने वाला है, जिसमें बड़ौदा, सूरत, मेहसाणा, राजकोट और भावनगर में ये प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बता दूं, जैसे भावनगर है वहाँ पे 3.5 मेगावाट कैपेसिटी का है, राजकोट में 6.5 मेगावाट कैपेसिटी का है, मेहसाणा में 5 मेगावाट कैपेसिटी, सूरत में 5 मेगावाट और बड़ौदा में 5 मेगावाट। टोटल 25 मेगावाट कैपेसिटी का स्टार्टेड है। बाकी के डिटेल आप साइट में जाके पढ़ सकते हैं, साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि कब इसमें वैकेंसी आया है नहीं आया है। तो लेटेस्ट जो वैकेंसी आया है उसके लिए आपको क्या करना है, आपको होम में क्लिक करना है और होम में आ जाना है। होम में आने के बाद जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा होगा साइट में, देखिए स्क्रॉल हो रहा होगा, इसमें आप पाउज स्टॉप का ऑप्शन भी दिया, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको एक स्पेशल बात बताने वाला हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को स्क्रॉल नहीं किया है तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जैसे कि मैं थंबनेल में ही बताया था कि वीडियो को लास्ट तक देखें, एक सरप्राइज है। तो इसमें आपके लिए बहुत ही अद्भुत जानकारी आपके सामने साझा कर रहे हैं। अगर आप माइनिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए समझिए कि लॉटरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले ही GPCL का एग्जाम निकाला गया था अलग अलग पोस्ट के लिए, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हम रिजल्ट पे क्लिक करते हैं जो पहला नंबर पे आ रहा है। रिजल्ट पे आने के बाद देखेंगे कि अलग अलग पोस्ट का एग्जामिनेशन, जैसे असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास का, असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास, कोलियरी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फॉरमैन, इलेक्ट्रीशियन, माइनिंग सरदार, ओवरमैन का एग्जाम का रिजल्ट इसमें पब्लिश है।
आपको क्या करना है, आपको सब फॉर एग्जांपल हमको लगता है कि ज़्यादातर कैंडिडेट माइनिंग सरदार ओवरमैन के होंगे, तो माइनिंग सरदार में आपको क्लिक करके देखना है इसका रिजल्ट। जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें 12 पोस्ट था माइनिंग सरदार का, 12 पोस्ट जिसमें से एग्जामिनेशंस में अपीयर हुए थे सिर्फ 33 कैंडिडेट, यानी एक सीट पे मात्र 3 लड़के का कंपटीशन था, जो कि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन था 100 नंबर का, और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं था, और इसमें जो कट ऑफ गया है वो 56-53 है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा, बट अगर इसमें आप कंपटीशन का लेवल देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 33 कैंडिडेट 12 पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं माइनिंग सरदार में। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस कंपनी में, इस टाइप की जितनी भी कंपनी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी होती है, और जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है, इसमें कभी भी जब वैकेंसी निकलता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता, जो लोगों को पता चलता है वो अप्लाई करते हैं, और सेंटर हमेशा ऑफ बहुत अलग जगह पे पड़ता है, कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम देने भी नहीं जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अलग अलग कंपनी जो लोगों को नहीं पता चल पाता है, ऐसे कंपनी की वैकेंसी जब भी आएंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि GPCL का एक वैकेंसी निकाला गया था, जो कि गोघा सुरका लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट भावनगर के लिए निकाला गया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया था, जिसमें फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए 2 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 2 पोस्ट, ओवरमैन के लिए 10, माइनिंग सरदार के लिए 12। आपको जो अभी हम वैकेंसी दिखाए थे, जो रिजल्ट दिखाए थे, वो माइनिंग सरदार का था, 12 सीट का, जिसमें सिर्फ 33 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और उसमें से 12 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट। एक चीज़ और आपको गौर करने के लिए कहूँगा कि इसमें क्वालिफिकेशन में गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट मांगा ही नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन में सिर्फ ओवरमैन और माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट मांगा है, इसमें कहीं भी गेस्ट टेस्टिंग का जिक्र नहीं है, ना ही फास्ट एड का जिक्र है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओवरमैन सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो गेस्ट टेस्टिंग का एग्जाम अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए बेनिफिशियल है, जिसके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं है उनके लिए बेनिफिशियल है। अब मैं सैलरी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, ओवरमैन पोस्ट का अगर हम बात करें तो 18,000 रुपया 2200 ग्रेड पे है, और 40,000 रुपया तक जाएगा ये, तो इसका ग्रॉस पे लिखा हुआ है 30,000 से 60,000। तो इसका मैं मोटा मोटी सैलरी बता देता हूँ, इसमें जब अलाउंसेस जुड़ जाएंगे, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो जुड़ जाएंगे, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, तो ये जुड़ने के बाद स्टार्टिंग सैलरी, यानी कि जो आपका 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे सैलरी होगा, वो 30,000 रुपया होगा, और उसके बाद आपका सैलरी बढ़ जाएगा, यानी कि 35-36 के आसपास आप पकड़ लेंगे, 3% बेसिक आपका निकालना पड़ेगा उससे, यानी कि जो 18,000 रुपया है उसका 3% बेसिक निकालेंगे, और उस हिसाब से HRA वगैरह सब कैलकुलेट करने के बाद आपका जो सैलरी होगा वो स्टार्टिंग में तो 30,000 होगा 11 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद वो सैलरी बढ़ जाएगी, 35-36 आप कह सकते हैं, या मे बी 40 पहुंच जाए, ठीक है, तो अच्छी सैलरी है। माइनिंग सरदार में भी वही करेंगे, जितने भी इसमें पोस्ट है सब में वही फंडा लागू होगा, जिसमें दिया हुआ है स्टेचुअरी सर्टिफिकेट अलाउंसेस 10% है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस 10% है, शिफ्ट अलाउंसेस और शिफ्ट ड्यूली ओनली जो है वो 750 रुपया 2,000 मंथ है, मेडिकल अलाउंसेस 800 रुपया से 2,000 है, वाशिंग अलाउंसेस है 750 से 1,000 रुपया, यानी कपड़े धोने के लिए भी आपको पैसे मिलेंगे, एडुकेशन अलाउंसेस है 750 से 1,000 रुपया, कन्वेंस अलाउंसेस से 1,000 से 5,000, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस है 500 से 1,000, पीरियडिकल्स एंड मैगजीन रिम्बर्समेंट जो है 300 से 1,000 रुपया है, हाउस रेंट अलाउंस HRA जो है वो 10% है, कम है, ऐसे कोल इंडिया लिमिटेड में 13% है और 16% है, मोबाइल अलाउंसेस है 300 से 600 रुपये, मतलब रिचार्ज करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो एक साल आपका सैलरी भले कम रहेगा, बट जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसके बाद जब आपको परमानेंट किया जाएगा तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा, अच्छा सैलरी हो जाएगा, 10,000 के आसपास का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप ऐसे ही कोल सेक्टर, मेटल सेक्टर और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं, ऐसे ही वैकेंसी जिसका लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी ऐसी वैकेंसी आएगी, चाहे कोई भी पोस्ट का हो, ITI हो, माइनिंग सरदार हो, ओवरमैन हो, डिप्लोमा होल्डर हो, BTech हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, कोई भी पोस्ट हो, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।